चाचा कहाँ, अली से मिलने। उनके पास फुर्सत नहीं है, वो हुकूमती कामों में मसरूफ हैं। हमारा मिलना भी हुकूमती अमर है। जाओ बाबा जाओ, पहले अपने पैर धो लेना फिर यहाँ आना। मैंने अपने पैर तो धोए हैं, खोल कर दिखाऊं तुम्हें? पैर धो लिए तुमने, थैले का क्या करोगे? कितने दिनों से पैरों पर पानी नहीं डाला चाचा। इब्न खबाब, जी क्या वापस जाना होगा? नहीं खालू जान, नहीं। इब्न खबाब, क्या है? अली कहाँ है? मस्जिद में। पैर पहले धोने होंगे, फिर मौला अली से मुलाकात। हमारे पैर जख्मी हैं, धोने से वर्म आ जाता है और पैरों से खून निकलने लगता है, पैर फर्श से चिपक जाते हैं। सुन लिया चचा, उनके पैर फट गए हैं, नहीं धो सकते। इब्ने खबाब, इन्हें बताओ हम गरीब हैं, फकीर हैं, काश्तकार हैं, ज़िराअत करते हैं, अली से मिलने आए हैं। भाई गुरबत से पैरों के फटने का क्या वास्ता? कूफे के साथ दरिया बह रहा है, इराक में मिट्टी से ज्यादा तो पानी है। पानी रोटी तो नहीं है जो मुफ्त ना मिल सके। क्या तुमने नहीं सुना कि पाकिजगी मान से जाओ फुरात जाओ, वहां जाके 10 बार नहा सकते हो? दहरा नशीन खाक नशीन होता है चचा जा। सुबह से शाम तक मुर्गे सुलेमान की तरह जमीन पर चोंच मारता है। रिस्को रोजी के लिए अगर जमीन से सरोकार ना हो तो आदमी किस काम का? चलो बाबा जाओ, यहां से जाओ, क्या मस्जिद के फर्श को नजिस करना चाहते हो? यानी हम कुत्ते हैं? कुत्ते भी खुदा की मखलूक है चचा। चलो चले चले हैं, मेरे पीछे आओ, चलो। अगर मैंने सही सुना है तो इसी घर के मालिक की कसम, तुम्हारी जबान कटने की मुस्ताक है, लोगों को क्यों रोकते हो? कमर टूट जाती है मालिक, रोजाना फर्श धोते धोते। तुम एक जमाने से खुदा के घर में हो, लेकिन अब तक नहीं समझा कि बंदगाने खुदा उसके घर और फर्श से मोहतरम है? नहीं समझा और ना ही समझना चाहता हूँ मालिक। मुझे अली के काम समझ में नहीं आते। हलाल हराम नजिस पाक भी तो कोई चीज है। उनके पैरों से बदबू आ रही थी। अबा यूसुफ, कुछ दिन सब्र करो, मैं वादा करता हूं कि चटाइयां धोने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठहरिए आप लोग, कहां जा रहे हैं? आप लोगों ने खुलूस और अकीदत के साथ अली की बैहत की है। आप लोगों की वफादारी और मोहब्बत पर तो मुझे भी रश्क आता है। थके और बूढ़े आदमी के गुस्से का बुरा ना मानिए। इस घर का खादिम मैं हूं, आपके कदम सर आंखों पर। हम किसी लालच के खातिर कूफा नहीं आए मेरे भाई, जाहिर हैं और शौक जियारत हमें यहाँ लाया है। 3-4 दिन से सफर में थे। क्या ये अच्छा था कि हमारे पैरों की वजह से हमारे दिलों को दुखाया जाता था? मैं इस बात की अली के खुदा से शिकायत करूंगा। आपके अखलास से जाहिर है कि आप मेहरबान लोग हैं। अबा यूसुफ को मेरी खातिर बख्श दें। सब लोग एक ही कबीले से हैं? जी एक ही कबीले से। ये है हम देहातियों की वफादारी की तहरीर। फकत एक मोहर है, बाकी लोगों ने अंगूठा लगाया है। आप मौला अली के बेटे हैं? मैं अबू बकर सिद्दीक का बेटा, अली की गोद का पला हूँ। अच्छा, तो मोहम्मद बिन अबी बकर आप हो? आपकी दास्तानें तो बहुत सुनी है भाई। वाह मरहबा। इब्न खबाब जी, ये जवान हसन है या हुसैन? कोई नहीं। इब्न खबाब क्या है? तो क्या अब्बास हैं? नहीं मेरे बाबा, नहीं। अमीर